नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ बाई सारसन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको डायमंड वर्क की एक ऐसी ट्रिक करवाने जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से हर प्रकार के बच्चे की समस्या का कारण बना हुआ था। चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, नेवी हो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें इस प्रकार की जो टाइप है या इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न को देखकर हर बच्चा घबराहट महसूस करता है और यह सोचता है कि इतना लेंथी प्रश्न हम एक या मिनट में कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो वीडियो आप देखोगे उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न को आप 10 सेकंड से पहले पहले सोल्व कर लोगे। तो इसके लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बताए गए जो स्टेप हैं उनको अच्छे से सुनें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में लाइक करें। तो लेट अस स्टार्ट, आओ देखते हैं इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। आज का क्वेश्चन हमारा है, तीन आदमी अथवा पांच औरतें किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो बताओ 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। तीन आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। यानी इसमें ये दे रखा है कि तीन आदमी अकेले काम करेंगे तो भी 12 दिन लगने हैं और 5 औरतें अकेले काम करेंगी तो भी 12 दिन लगने हैं। इनके जो काम का रेशियो है उसी के आधार पर बताना है। यदि 6 आदमी और 5 औरतें दोनों मिलकर काम करें, यानी 6 आदमी प्लस 5 औरतें मिलकर कार्य करेंगे, तो जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इतने इस प्रकार के प्रश्न को देखकर बच्चे या तो इसको छोड़ देते हैं या ये देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसको देखकर या जिसको आप सीखकर एग्जाम में सबसे पहले आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कैसे हल होगा ये। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपर वाली लाइन में जितनी भी संख्या है आप उनको लिखो। यहाँ पर हमें संख्या दिखाई दे रही है 3, 5 और 12, यानी कि 3, 5 और 12। यानी मैं अगर बात करूँ, इसमें आदमी है, यहाँ औरतें या दिन है। अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आदमी, औरत और दिन। मेरे पास तीन प्रकार के यहाँ पर आंकड़े हैं, यानी तीन आदमी है, 5 औरतें हैं और 12 दिन हैं। अब तीन मेरे पास आदमी है, 5 औरतें हैं और दिन कितने हैं, 12 हैं। दूसरी लाइन में मेरे पास जो आंकड़े हैं वो है 6 आदमी हैं, यानी मैंने ये लिख दिए, 6 आदमी लिख लिए। औरत कितनी है, 5 हैं। दिन मेरे को निकालना है, यहाँ ये चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे वो क्या है, अब ध्यान से देखो। यहाँ से ही इस वीडियो का या इस ट्रिक का सबसे मुख्य भाग है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, ऊपर वाली तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से आप कर सकते हो। 3 गुना सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 3 गुना में 5 गुना में 12। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, एक लाइन में सोल्व हो जाएगा ये। यानी मेरे पास ऊपर जो संख्या है उनकी गुना करूँगा मैं, यानी कि 3 गुना में 5 गुना में 12, 3 गुना में 5 गुना में 12, या आप वैसे बोल दो 3 5 15, 15 गुना 12 भी कर सकते हो। जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, ध्यान से देखो। जो औरत है इनकी गुणा कर दो आप आदमी से, और जो आदमी है इनकी गुणा कर दो औरतों से। मैंने पहले क्या किया, औरतों की मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया आदमी से, तो 5 6 का 30 हो गया हमारे पास, और आदमी की औरत से कर दी तो 3 5 15 होगी हमारे पास। एक बार दोबारा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 की गुणा 6 से करेंगे, यानी 5 औरतों की 6 आदमी से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी गुणा 30, और 3 आदमियों की गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ गुणा आ जाएगी 3 5 15। अब ये मिलके काम करेंगी तो आप इनको मिलके मिस प्लस कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों का जोड़ हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया। कितना आ गया, 45, यानी 45 जोड़ आ गया। अब कुछ नहीं करना, आप इस 45 उठा के इनके नीचे लिख दो, यानी से भाग कर दो, आपका आंसर आ गया। ये काट दो, आपको काटना रहे यहाँ आराम से, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी आपका आंसर आ चुका कितने दिन है, 4 दिन। तो दोस्तों ये था कितना आसानी से हम इसको सोल्व सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, तब टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 5 15, 3 5 15 लिख दिया आपने यहाँ पर,
और मल्टीप्लाई कर दी किससे, दिन से, यानी ऊपर वाली तीनों गुणा कर दी, 15 15 गुणा 12 कर दिया अपने। अब फास्ट कर रहे हो, थोड़ा ऐसे करो, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लो, इससे कर लो, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, यहाँ करोगे 30 आएगा, यहाँ करोगे 15 आएगा, 30 15 45 नीचे लिख दो आंसर, अब काट दो इसको, 15 30 45 आ गया, 3 चौके 12, आंसर विद इन 5 सेकेंड में आ सकता है अगर आप अच्छे से 10 या 15 ऐसे सेट करते हो तो, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी प्रकार का है आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ 3 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम टू सेम वही प्रश्न है, इसको हम ज़्यादा टाइम, सॉरी इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट गुणा करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार लिखना चाहो संख्या लिख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास 5 है 9 है और 19 है, नेक्स्ट लाइन मेरे पास 3 है 6 है और ये मेरे को निकालना, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जो नंबर उसको उठाओ आप, जैसे यहाँ पर 5 है 5 लिख लिया, 9 है 9 लिख लिया, 19 है 19 लिख लिया, पहली लाइन की जितनी संख्या हो आप यहाँ लिख लो, दूसरी लाइन में जो जो संख्या हमारे पास एक 3 है 1 6 है ये यहाँ लिख ली, तो आपको कुछ नहीं करना, पहली लाइन की मल्टीप्लाई करना है, पहली लाइन में मल्टीप्लाई में, सॉरी गुणा में क्या आएगा, 9 की और 5 की, इन 5 9 की दोनों की गुणा कर दो, तो दोनों ही गुणा मेरे पास आई कितनी, 9 5 45 आ गई, और मेरे को 45 की 19 की गुणा नहीं आती है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई से यहाँ लिख दूँ, क्यों आगे कटेगा ही, तो 45 गुणा में क्या लिख लिया, 19 लिख लिया, यानी दोबारा देखते हैं, पहले वाली लाइन में जितनी भी संख्या हैं उनकी आपस में गुणा लिखनी है, या आप ऐसे लिखते हो 5 गुणा 9 गुणा 19 भी लिख सकते हो, अगर आपको ये टाइम लग रहा है इसको करने में, तो आप 5 गुणा 9 गुणा 19 भी लिख सकते हो, जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसी कर दो 9 3 27 आ गया, इसी कर दो 5 6 30 आ गया, और ये बताने में 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर, तो इनको मिलकर मिस को जोड़ दो आप, कितना आ गया 57 आ गया, 30 और 27 कितना हो गया, 57 होता है, यानी 30 और 27 57 होता है, इस 57 से आप यहाँ पर भाग कर दो, बस नीचे लिख के आंसर आ गया आपका, 19 एकम 19 19 57 और 3 एकम 3 15 3 45, ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, कितने दिन है, 15 दिन, तो कितने दिन में काम कर लेंगे ये, 15 दिन में काम कर लेंगे, जैसे 19 57 3 आ गया और 3 से 15 3 45, तो ये 3 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर कितने दिन कर लेंगे, 15 दिन में। तो दोस्तों ये थी कितना आसानी से हम इसको एक लाइन में सोल्व कर लेते हैं, इसी प्रकार के आप बुक में से या और किसी प्रैक्टिस सेट में से 5 या 10 प्रश्न करें, और मैं गारंटी से कहता हूँ 5 या 10 प्रश्न करने के बाद, या अभी जस्ट आप करते हो तो 10 या 20 सेकंड से पहले इसको आप सोल्व कर लोगे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ऊपर वाली लाइन में जितनी भी संख्याएं हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, मेरे को 5 दिखाई दे रहा है 9 दिखाई दे रहा है 19, तो मैंने क्या कर लिया, 5 गुणा 9 गुणा 19 यहाँ पर कर लिया। अगला स्टेप मैंने क्या किया, जो मैंने संख्या लिखी थी 3 और 6 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यानी कि आदमी की औरत से और औरत की आदमी से कर ली, यहाँ पर कर लिया 9 3 27 कर दिया, यहाँ पर 5 31 मिलके काम करना, तो इनको मिला दो, इस जोड़ दो इनको, 27 और 3 57 हो गए, आप 57 से यहाँ पर क्या कर दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 9 3 27 3 1 3 3 3 9 और 3 5 15, बस इतना था दोस्तों आज का वीडियो, इतना ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके अगर ये लगे हाँ वास्तव में हमारे नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ इसको देखकर हमें ये लगा कि हाँ आगे आने वाले एग्जाम में हम इस प्रकार के प्रश्नों को जल्दी सोल्व कर लेंगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।